नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। और फिर से आज धमाकेदार क्वेश्चन के साथ बहुत ही शानदार और इजी तरीका से विथ ट्रिक के अनुसार से सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सभी भुजा की लंबाई, तो कोई भी भुजा मान लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए, ये हो गया बी, इसको सी, और एक मान लेते हैं टू रेशो में दिया हुआ है तो 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान सकते हैं, इसको 4x मान सकते हैं, ठीक है। पहले दिया हुआ है 2x और एक 4x मान लेते हैं और ये 3x मान लेते हैं, ठीक है, ये भुजा की मान लेते हैं। और लिखा हुआ है इसका परिमाप, तो कोई भी त्रिभुज का परिमाप बोला जाए तो सिंपल से याद रखिएगा कि सभी का योग होता है, ठीक है। कोई भी बोला जाए तो याद रखिएगा सभी भुजाओं की योग, तो परिमाप मतलब सभी भुजा का योग। तो कितना हो गया ना, 2 और 4 6 6 और 3 कितना हो जाएगा ना 9, यही हो गया 9x, ये हो गया परिमाप। और इतना का मान दिया हुआ है, कितना है ना 63, तो x इसका लू क्या हो जाएगा ना 63/9 यानी 9। अब 9 से भागा देंगे, 9 7 63 यानी x का मान जो होगा वह 7 होगा। तो पूछा जा रहा है 7, तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ी भुजा का, कीजिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है इसमें ना, 4x दिख रहा है, 2x 3x 4x, तो 4x सबसे बड़ा दिख रहा है तो यही सबसे बड़ा भुजा होगा, ठीक है। क्या होगा ना, सबसे बड़ा भुजा की लंबाई, भुजा तो कितना है ना 4x है, तो लिखेंगे ना 4 × x का मान कितना है ना 7, तो 4 7 28, ठीक है, सेंटीमीटर होगा और ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नंबर दो दोस्तों, एक काम को करने में पी क्यू और आर और एस की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया प्रारंभिक जो है वह 4200 है रुपए है, किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितने राशि मिली, यह निकालना है, ठीक है। तो क्या नाम है ना, एक का नाम पी है, दूसरा का क्यू है, आर है और एस है, ठीक है। इसकी क्षमता दिया हुआ है 2, तो 2x मान सकते हैं, 3 दिया हुआ है तो 3x मान लेते हैं, 5 दिया हुआ है तो 5x मान लेते हैं और 4 दिया हुआ है तो 4x मान लेते हैं, ठीक है। अब इस सबको जो है वह 4200 रुपये देना है, कितना ना 4200, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 5 और 5 10 और 4 14 x इक्वल टू 4200 रुपए, तो x इक्वल टू क्या होगा ना 4200/14 यानी 4200 को भागा देंगे कितना से ना 14 से, तो कितना आएगा 300 आएगा, यानी x का मान होगा 300। अब निकालना है कि किसे सबसे ज्यादा राशि मिली, तो देख रहे हैं रेशियो में सबसे बड़ा किसका दिख रहा है ना r का, r का कितना दिख रहा है 5x, तो इसी को सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि सबका रेशियो कम है, तो जिसका रेशियो सबसे ज्यादा रहेगा वही उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो r का रेशियो कितना है ना 5x है, तो r का जो है वह 5x है तो इसी को सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा ना r को, तो 5x है तो 5 × x का मान कितना है ना 300, तो गुना करेंगे कितना होगा ना 5 3 15 और 2 0 था, यानी 1500 रुपया जो है ज्यादा मिला किसको ना आर को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन। तीन दोस्तों, एक्स वाई और जेड के साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं यदि एक्स वाई जेड के कार्य के अनुपात दिया हुआ है, यानी एक्स वाई और जेड कितना दिया हुआ है ना 4, तो 4x मान लेते हैं, ये 6 दिया हुआ तो 6x मान लेते हैं और 5 दिया है तो 5x मान लेते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर के कितना मिलता है ना 210 रुपया मिलता है, तो तीनों का रेशियो तो 5 और 6 कितना हो गया 11 11 और 5 4 कितना हो गया ना 15, तो 15x इसका दिया हुआ है 210, तो x इसका क्या हो जाएगा ना 210/15। अब क्या करना है ना, 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 5 10 और
पांच चार बीस और पांच दस इतना हो जाएगा, फिर तीन से कट जाएगा, तीन एकम तीन और चार तीन बारह, यानी x का मान जो होगा वह 14 होगा, यानी 14 होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है z को मिली राशि कितनी है, तो z का क्या है रेशियो ना 5x है, तो z का 5x है, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना ना 14, और 14 पचास 70 यानी 14 5 70, तो 70 रुपीज जो है मिलेगा किसको ना z को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों, यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 में है तो त्रिभुज को कहा जाता है, यानी ये कौन सा त्रिभुज होगा कहा जाएगा। ठीक है, तो कोण एक मानते हैं, कितना दिया हुआ है ना 5, तो 5x मान लेते हैं। कोण बी, कोण बी का मान कितना दिया हुआ है ना 6, तो 6x मान लेते हैं। कोण सी कितना दिया हुआ है ना 7, तो 7x मान लेते हैं। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो कितना तीनों का योग, तो 5 और 6 कितना हो 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, यानी तीनों कोणों का योग हो गया, और इतना का मान 180 होता है, कितना होता है 180, तो x इक्वल हो जाएगा 180/18, भागा देंगे कितना जाएगा ना 10 बार में, यानी x का जो मान होगा वह 10 होगा। ठीक है, तो एक का मान निकालते हैं, तो 5 × x का मान कितना है ना 10, तो यहां 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 50, फिर 50 डिग्री हो जाएगा, फिर 6 × 10 तो 60 डिग्री हो जाएगा, और 7 × 10 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं है, किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं है, और जिसका 90 डिग्री से अधिक नहीं होता उसे न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं न्यून कोण, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं ना, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, लिखा हुआ अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, तो 90 डिग्री से अधिक कोई नहीं है तो वो आंसर होगा ही नहीं, और समकोण मतलब ना होता है 90 डिग्री, यहां कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4:5:5 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तारा और टीना के बीच राशियों, टीना के राशियों के बीच अंतर कितना होगा, यानी तारा और टीना के राशि का बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या नाम है ना तारा, तो लिखेंगे तारा, फिर है तमन्ना, तमन्ना, उसके बाद टीना, तो तारा का दिया हुआ है 4, तो 4x मानते हैं, 5 दिया हुआ है तो 5x, और टीना का दिया है 6, तो 6x, और अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं अनुपात में हम लोग x लेक्स बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इससे इजी होता है। ठीक है, अब 1000 की धनराशि है, इन तीनों को मिलना है, तो 6 और 5 कितना हो गया ना 6 5 11, 11 और 4 15, तो 15x का मान जो दिया हुआ है वह 1000 रुपए है। ठीक है, तो एक्स इसका क्या हो जाएगा ना 1000/15, तो 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 10 0 0, यानी एक्स का मान जो होगा वह 200/3 होगा। ठीक है, अब बोला गया है तारा और टीना के बीच राशि का अंतर, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं अंतर, क्योंकि तारा का पता है और टीना का भी पता है, तो तारा का है कितना ना 6 और यहां 4, तो 6x में 4x घटाएंगे तो यही अंतर हो जाएगा, तो तारा का टीना का कितना है ना 6x और तारा का कितना है ना 4x। ठीक है, तो अंतर घटाएंगे, तो छोटा से नहीं घटता है बड़ा से घटाते हैं, इसलिए पहले इसको लिखें उसके बाद इसको लिखें। ठीक है, जैसे वहां दिया हुआ है कि तारा और टीना, तो पहले तारा और टीना लिखते तो माइनस में आता। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसका ज्यादा रेशियो है इसलिए उसको लिखेंगे, फिर इसका कम है तो कम लिखेंगे, तो 6 में 4 घटेगा तो 6x में 4x कितना होगा ना 2x। ठीक है, तो 2 × x का मान कितना दिया हुआ है ना 200/3, तो आएगा ना 400, 2 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 400/3, और जब भागा देंगे तो भागा देने के बाद आएगा 133.33 रुपीज जो होगा इन दोनों के बीच का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी इजी और आसान क्वेश्चन था, यानी 133.33 रुपीज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित पुरस्कार राशि पी और क्यू और आर को 3:5:5:7 के अनुपात में दी जाती है, जानी है,
यदि R और P से 1000 रुपया अधिक मिले तो Q को Q की हिस्सेदारी क्या है, यानी कि Q को जो है वह कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, तो P, Q और R ये तीन आदमी है। ठीक है, तीन P, Q, R को अनुपात में दिया हुआ है कितना, मैं 3 तो 3x मानेंगे, 5 दिया हुआ है तो 5x मानेंगे, और 7 दिया हुआ है तो 7x, यानी P का दिया हुआ है 3x, Q का 5x और R का दिया हुआ है 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि R को P से 1000 रुपया अधिक मिलता है, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। तो R और P, R और P, तो R और P का अंतर दिया हुआ है, तो 7 और 3 में कितना दिया हुआ है, 7 में 3x घटेगा कितना हो जाएगा ना 4x, और इतना का मान दिया हुआ है 1000। ठीक है, 1000, तो x इसका क्या हो जाएगा ना 1000 बटा 4, भागा देंगे कितना जाएगा ना 25 40 100, 25 40 100, यानी 100 कट जाएगा, 0 था यानी 0 रह जाएगा, यानी x का मान जो होगा वह 250 होगा, 215। ठीक है, तो q की हिस्सेदारी कितनी है, तो q का कितना है ना 5x, तो लिखेंगे यहां 5x, तो 5 इंटू x का मान कितना है ना 250, गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 1250 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, यानी 1250 रुपीज ऑप्शन नंबर बी। नंबर 7 दोस्तों, यदि तीन संख्या 2:5:7 के अनुपात में है, ठीक है, तीन संख्या मान लेते हैं 1x 2x और 3, मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीन संख्या मान लेते हैं, तो 2x है तो लिखेंगे 2x, फिर 5x और ये 7x लिखेंगे। ठीक है, इतना, और उनका योग दिया हुआ, यानी सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ना 2 और 5 7 और 7 14 x का मान दिया हुआ है 80 का आधा है, आधा मतलब क्या 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहीं से काट देंगे, कितना हो जाएगा ना 140, अब ये 10 इसके साथ 14 इसके साथ कट जाएगा 14, तो यानी एक बार में कटेगा, 1 0 था, यानी x का मान होगा वह 10 आ गया। ठीक है, कट के सॉल्यूशन x का मान इतना आ गया। अब बोला सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है ना 2x, 5x और 7x, तो सबसे छोटी संख्या जो दिख रहा है वह 2x है। ठीक है, छोटी संख्या तो दिखा हुआ है ना 2x, तो लिखेंगे 2 into x का मान कितना 10, तो 10 दुनी 20। अब बोला सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, वर्ग, तो वर्ग करना है, वर्ग तो 20 का खाली वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ना 400 हो जाएगा, और 400 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, ठीक है, तो तीन संख्या मान लेते हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीन संख्या मान लिए, तो याद दिया हुआ है 4, तो 4x मानेंगे, 5 है तो 5x मानेंगे, 7 है तो 7x मान लेंगे, इसका योग दिया हुआ है 320, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16, तो 16x इसका लो दिया हुआ है 320, तो x इसका लो क्या हो जाएगा ना 320 बटा जो है वह 16 हो जाएगा, तो 16 दुनी 32, तो x का मान जो होगा वह 20 होगा। ठीक है, अब हो गया, अब हो रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी क्या दिख रहा है 4x और सबसे बड़ी क्या दिख रहा है ना 7x, तो योग फल ज्ञात करना है, योग फल किसका, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या दिया हुआ है ना 4x, तो 4x लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या क्या दिया हुआ है 7x, तो 7x लिखेंगे, तो 7 और 4 कितना हो गया ना 11x, तो 11 गुना x का मान कितना है ना 20, तो लिख देंगे 20, क्या हो जाएगा 11 गुना 22, यानी 220 रुपीज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। नंबर 9 दोस्तों, यदि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है। तो सबसे पहले अपनों को जानकारी होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चार कोण मानते हैं एक चतुर्भुज, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो अनुपात में दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कोण ए का मान 3x, कोण बी का मान 5 है तो 5x लिखेंगे, कोण सी का मान 9 है तो 9x लिखेंगे, और कोण डी का मान लिखा हुआ है 13 तो 13x लिखेंगे।
और चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है कितना, 9 योग होता है 360 डिग्री, तो सबको जोड़ते हैं कोण, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 9 कितना हो गया 16, 17, 17 3 20 और 10 कितना हो जाएगा ना 30। x का मान दिया हुआ है कितना ना 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, वही 360 डिग्री लिखें, ठीक है। अब ना x इक्वल टू हो जाएगा ना 360 बटा 30, ये जीरो इसका सब कट जाएगा, तो 3 × 3 = 6, यानी x का जो मान होगा वह 12 होगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, देखिए यहाँ 3 है, 5 है, 9 है, 13 है, तो जिसका रेशियो ज्यादा होता है वही सबसे बड़ा कोण होता है, तो डी जो होगा वह सबसे बड़ा कोण है, कितना है ना 13x, तो लिखेंगे सबसे बड़ा कोण डी होगा, और डी का कितना दिया हुआ है ना 13x दिया हुआ है, तो लिखेंगे 13 × 12 कितना हो जाएगा ना 156, 156 होगा, 156 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी, ठीक है। तो पहला नाम है अरविंद, उसके बाद बीनू और चित्रा, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है 2, तो 2x मान लेंगे, इसका दिया हुआ है 3, तो 3x मानेंगे, और चित्रा दिया हुआ है 4, तो 4x मान लेते हैं, ठीक है। और धनराशि बांटी जो 51 रुपये का, बीनू को 51 रुपये, एक बीनू को जो है 51 रुपये जो है प्राप्त हुआ, तो बीनू का मान कितना दिया हुआ ना 3, और 3x का मान दिया हुआ है 51, यानी 3x का मान दिया हुआ है 51, तो x इसका लो क्या हो जाएगा ना 51/3, तो 17 × 51, तो x का मान हो गया 17, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है कि चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी है, यानी चित्रा का निकालना है और अरविंद का निकालना है, तो चित्रा का निकालते हैं, चित्रा का कितना दिया हुआ ना 4x, तो लिखेंगे 4 × 17, तो 17 × 4 = 68, यानी 68 रुपये चित्रा को मिलेगा और अरविंद को मिलेगा, अरविंद, अरविंद को कितना है ना 2x, तो 2 × 17, तो 17 × 34 रुपये, ठीक है। तो 68 और 34 जो है ऑप्शन नंबर सी पर शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाए जो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसी तरह के जो है क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।